नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं एंकर परेश फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीटी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है द एंकर परेश शो। वैसे हमेशा आप मुझे देखते हो सेलिब्रिटीज़ के साथ और आज वो सेलिब्रिटीज़ में से फिर से कहूँगा मैं फिर से क्योंकि दोनों सेलिब्रिटीज़ इसके पहले मेरे इंटरव्यू में आ चुके हैं, अलका ताई कुबल और विराग मधुमालती जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए और बहुत बढ़िया सा रहा आपका एक इवेंट रहा 16 अगस्त को जो भी सफल 16 अगस्त वो भी सफल रहा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपकी फिल्म का नाम दर्ज हो चुका है। तो आप पूछते हैं इसी फिल्म के बारे में, डॉक्टर तात्या लाहनी जी के इस फिल्म के बारे में बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों से। ताई से पूछते हैं, शुरुआत करते हैं। नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और मुझे पता था इनकी फैमिली के बारे में, डॉक्टर लाहनी के और उनकी मदर ने जो किडनी डोनेट की है इसीलिए वो अभी काम कर रहे हैं, खड़े हैं, लोगों को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी भाग्य की मैं बोलूँगी बात है कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला और विराग जी की वजह से। और आज जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं नागपुर में, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ उसमें इन्होंने गाना गाया है, जो 327 सिंगर्स थे उनमें से 10-12 बच्चे तो नागपुर के ही थे और महाराष्ट्र के पूरे 18 डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चे आए थे। बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं विराग की तारीफ़ करूँगी, उनकी पहली फिल्म है लेकिन इतने फोकस्ड है और पैशन से ये फिल्म बनाई है। वो 327 सिंगर थे तब हम लोगों ने ये बहुत बड़ा इवेंट वाशी में किया था और तभी भी मैंने देखा कि ये अकेला आदमी पूरा हैंडल कर रहा है, वन मैन शो चल रहा है, सिंगर भी वही है। मतलब अभी आपने गाना सुना, ऐसे भी मैंने भी पहली बार ये गाना सुना आज ही, तो मुझे भी विराग आपने गाया ये गाना, मतलब इतना पूरी तैयारी के साथ ये उतरे हैं। लेकिन उनका नेचर भी है, सबको पकड़ के चलना। अभी आज उनके इतने दोस्त आए हुए हैं, सब कलीग्स आए हुए हैं, तो उनके भाई जिन्होंने उनको इतना सपोर्ट किया, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये फिल्म चले, लोगों तक पहुँचे, जो उनका मैसेज है सोशल मैसेज, एक तो नेत्रदान की जिसकी वजह से जो अंधा आदमी है, जो ब्लाइंड है, वो दुनिया देख सकता है। तो कभी भी ये अपनी बात अपनी आँखों का आँखों को डोनेट कीजिए, ये तो मैसेज मैं दूंगी। और विराग को भी मैं हार्टी कॉन्ग्रेट्स करूंगी कि इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और आज मैंने भी पहली बार देखी, क्योंकि मैंने डबिंग के समय मेरा ही काम देखा था, मेरे ही सीन्स डब किए थे, आज मैंने पूरा देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। अब आते हैं विराग जी की ओर। सर आप बताइए आपकी फिल्म के बारे में। सबसे पहले मैं ताई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो माँ का किरदार निभाया इस फिल्म का और बहुत अच्छे से पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, आई मीन वर्ड्स ही नहीं है, अभी आपको देखेंगे थिएटर में तो पता चलेगा कि कैसा रोल उन्होंने अदा किया। और जैसे तात्याराव लाहनी सर के ऊपर ये है, तो जो सर ने नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जितना काम किया, लाख डेढ़ लाख के ऊपर ऑपरेशंस किए और जिस स्ट्रगल के साथ उन्होंने बचपन में खाने पीने के उनके प्रॉब्लम्स थे, यहाँ से शुरुआत थी, तो ये सब से स्ट्रगल करते हुए, जूझते हुए, गरीबी से जूझते हुए, समाज से लड़ते हुए उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हासिल किया। तो एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज इस फिल्म से मिलने वाला है एंटरटेनमेंट के साथ। आपने देखिए तो आपको भी पता चला होगा एंटरटेनमेंट है डेफिनेटली, बट साथ में बहुत ही बड़ा हिडन मैसेज है जो आज के नई पीढ़ी को, नई यूथ को जरूर प्रेरणा देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पर ताई आपने भी दादा के साथ काम किया है, तो मैं जितना जानता हूँ उनको, मैं पहले भी एक इंटरव्यू हो चुका हूँ, मैं उसके बाद में फिर से एक बार उनका डायरेक्शन इनका, फिल्म इनकी, काफ़ी सारी चीज़ें, आपको ऐसा नहीं लगता कि एकदम बिल्कुल ऐसा लगता एक्सपीरियंस होल्डर एक इंसान जैसी फिल्म बना सकता है वैसी फिल्म नहीं? बिल्कुल बनाई है। और मतलब सेट पे भी ऐसे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था, वो बताते थे तो भी एकदम कॉन्फिडेंट थे कि ताई ये करना है, ताई वो करना है, वैसे करना है। मुझे थोड़ा लगा पहले दिन हम लोगों को चार पांच शॉट लेते समय जजमेंट आता है, मैं देख रही थी कि विराग कैसे कर रहा है, इतने बड़ी फिल्म बना रहा है जिनके ऊपर, तो पता नहीं कैसे करेगा ट्रस्ट, मतलब वो ये कर पाएगा कि नहीं, जस्टिस कर पाएगा कि नहीं। लेकिन इतना मतलब एक तो टीम इतनी अच्छी थी, मैं बोल रही हूँ जैसे फैमिली जैसे हमारी यूनिट थी, और विराग अपने काम के लिए एकदम कॉन्फिडेंट था, वो रिजल्ट हम लोग आज देख रहे हैं। ताई हमें कहती है, ताई ने काम किया है अच्छा खासा, तो ताई कहती है विराग जी के बारे में कि इन्हें गुस्सा आता या नहीं होता, ये कितनी बात है सर? नहीं, क्योंकि थोड़े आर्टिस्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत टैंट्रम्स थे उनके, तो मुझे ऐसे लगता था अरे मैं होती तो बोलती चलो जाओ पैकअप, मैं दूसरे को ला दूँ, लेकिन विराग जी इतना स्माइल करके हाँ ठीक है
ऐसे देख के ऐसे मैं इरिटेट होती थी क्यों इतना खामोश है ये आदमी, लेकिन अभी चलो अच्छी फिल्म बनाई, उसका रिजल्ट अच्छा है, छोड़ दीजिए वो बाकी पर्दे के पीछे की बात है, वो बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने ऐसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो पर हम तो बिल्कुल पूछेंगे सर इसके पीछे का राज क्या है। नहीं राज नहीं बता सकते, राज ये कि अच्छी फिल्म करनी थी, तायका आशीर्वाद था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज कुछ भी हो, आज कुछ भी तकलीफ हो, पर इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ये फोकस था बस। यस बहुत खूब। पहली बार एक चीज लास्ट में पूछना चाहूँगा कि पहली बार किया, सारी चीज़ें पहली बार हुई है आपकी, इसमें भी कास्टिंग क्या सोच के आपने किया कि जितने भी कलाकार हैं, आपका प्रोमो भी हम लोगों ने देखा, ट्रेलर भी देखा, काफ़ी सारा यानी वर्क ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनती है और सोच समझ के किया गया, तो कास्टिंग के बारे में बताइए। कास्टिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था क्योंकि बायोपिक है, बायोपिक का कैरेक्टर्स का जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ के लिए जैसे ही आया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ताई के एक्टिंग, बिकॉज आई वॉज अ फैन, आई एम अ फैन रादर, तो मुझे लगा कि खाली ये था कि ताई इतना ओल्ड कैरेक्टर, बट ताई ने तो माइंड ब्लोइंग सब, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, इतना बड़ा कैरेक्टर किया। मकरंद सर का ऐसा है कि वो वहाँ से मराठवाड़ा के रहने वाले हैं, सर के मित्र हैं, तो उनकी भाषा शैली बाकी सब चीज़ें वो ले जाना चाहिए, वो सब उनकी तरफ से आ सकता था, तो इसके लिए मैं फिर भरत गणेशपुरी जी है, फिर एवरी वन मैंने ये देख के उसी गंद आई है, तो वो जैसे जैसे कैरेक्टर था उस हिसाब से हमने फाइनलाइज किया। पर काफ़ी पहली प्रोजेक्ट में इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को आपने लिया, बहुत रिस्क उठाई है। अब ये पूछूंगा कि एबीटी न्यूज़ के दर्शकों से आप क्या कहेंगे? आप सबको हमारा सलाम दुआ नमस्ते, और परेश भाई ने पहले भी इंटरव्यू किया था, हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये फिल्म है जो आपको आपके दिल को छू जाएगी ज़रूर, तो इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें से जो निधि निर्माण होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है, वो भी हम चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में देने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये फिल्म ज़रूर देखें। मैं भी वही कहूँगी कि आप मतलब वेट मत कीजिए कि अरे ये फिल्म अभी 2-3 महीने के बाद टीवी पे दिखेगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे लगेगी आपको फर्स्ट वीक में जाना है और ये फिल्म देखनी है, क्योंकि इसमें कोई किसी का स्वार्थ नहीं है, जो कुछ मिलने वाला है उसमें से आमदनी वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली है, तो मैं सबसे आह्वान करती हूँ कि प्लीज़ ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाए। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हमेशा कहता हूँ ये है वो है ऐसा वैसा, पर एक चीज़ कहूँगा कि विराट सर की मेहनत इसमें और सच्चा दिल, नेक इरादा, ये सारी चीज़ें लेकर डॉक्टर तात्या लहानी ये मूवी हमारे बीच में लेकर आ रहा है, तो आप सभी लोग सिर्फ सोचो मत, घर से निकलो, टिकट्स लो, ये मूवी देखो, और मूवी देखने के बाद मैं जब रिव्यू लेने आऊँगा तो मुझे बताना कैसा लगा। तो तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगा नए स्टार के साथ, कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ, तब तक के लिए